यार ये वीडियो इंपॉर्टेंट है उन सभी बच्चों के लिए जिनका अभी भी किसी भी कॉलेज में एडमिशन नहीं हुआ है। अभी तुम कंफ्यूज हो कि भैया स्पॉट राउंड से जाएं, सीएलसी राउंड से जाएं, डायरेक्ट कॉलेज में एडमिशन लें, प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लें, गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लें, मैनेजमेंट कोटा के थ्रू एडमिशन देखें। अगर तुम इस सबको लेकर कंफ्यूज हो तो मैं तुम्हें इस वीडियो में बताने वाला हूं कि तुम्हें क्या प्रोसेस फॉलो करना चाहिए, या फिर अगर तुम ड्रॉप लेने का सोच रहे हो, अभी भी कंफ्यूज हो कि मैं ड्रॉप लूँ या फिर किसी टीयर थ्री कॉलेज में चला जाऊँ, तो क्या करना चाहिए, वो सारी डिटेल तुम्हें वीडियो में मिल रही होगी। उसके पहले अगर तुम अभी भी कहीं भी कॉलेज में एडमिशन नहीं लिया और तुम्हें गाइडेंस चाहते हो, प्रॉपर गाइडेंस की कोई हो एक्सपर्ट जो तुम्हें गाइड कर दे, तो उस केस में तुम्हें क्या करना है, डिस्कशन में प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म दिया गया है उसको फिल कर देना है। हमारी टीम तुम्हें फ्री ऑफ कॉस्ट गाइडेंस दे देगी कि तुम्हारी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग तुम्हारे लिए क्या बेस्ट कॉलेज ऑप्शन अवेलेबल है। ठीक है, अब बात करते हैं। देखो यार, अगर तुम स्पॉट राउंड से कॉलेज देख रहे हो, ठीक है, स्पॉट राउंड, ठीक, तो देखो जैक दिल्ली वगैरह का स्पॉट राउंड हो चुका है, जीजीएस आईपीयू वगैरह का हो चुका है दिल्ली में साइड, तो ऑलमोस्ट जितने भी काउंसलिंग होती है उसके स्पॉट राउंड हो चुके हैं। यूपी में 7 से लेकर 8 के बीच में रजिस्ट्रेशन था, अब तुमने रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो तुम पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे, तो यानी कि तुम इसमें से भी बाहर हो। अभी 11 तारीख को यहाँ पर रिजल्ट आने वाला है तुम्हारा, ठीक है, स्पॉट राउंड का। तुमने अगर यहाँ पर स्पॉट राउंड में पार्टिसिपेट किया है तो तुम हमारी स्पॉट राउंड की वीडियो जाके देख लेना, तुम्हें क्या प्रोसेस फॉलो करना है, क्या सारी चीजें होने वाली है, उस पर डिस्कशन नहीं कर रहे होंगे इस वीडियो में। इसके बाद तुम्हारे पास एमपीडीटी का ऑप्शन है अभी, ठीक है, एमपीडीटी का ऑप्शन है। यहाँ पे 9 से लेके 11 या 12 तारीख तक तुम्हें रजिस्ट्रेशन करना होगा, ठीक है। अब इसके बाद एमपीडीटी में सीएलसी राउंड होता है, स्पॉट राउंड को सीएलसी राउंड बोलते हैं, कॉलेज लेवल काउंसलिंग, यानी कि तुमने एक बार रजिस्ट्रेशन कर दिया, अब इसके बाद तुम्हें कॉलेज में जाना पड़ेगा, जिस भी कॉलेज में तुम्हें लाइक एडमिशन चाहिए उस कॉलेज में तुम्हें जाना पड़ेगा, और वहाँ पे फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे तुम्हारा वो होता है कि लाइक तुम्हारे रैंक है, तुम पहले आ गए हो, तो तुम्हें एडमिशन मिल जाता है जो भी उनके पास बची सीट रहती है। यहाँ पे ये प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों कॉलेज के लिए हो रहा होता है। यूपीडीयू में क्या है कि सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, ठीक है। एमपीडीटी में क्या है कि यहाँ पे तुम्हें गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट दोनों कॉलेज सीएलसी राउंड में पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं। तो ये प्रोसेस अभी तुम अगर तुम वीडियो अभी देख रहे हो, ठीक है, तो अभी भी लाइक एमपीडीटी का शेड्यूल है, आई गेस एक बार शेड्यूल ओपन कर लेता हूँ मैं, ठीक है, 9 से लेके 11 तारीख तक, ठीक है, रजिस्ट्रेशन है तुम्हारा तो तुम जा सकते हो, रजिस्टर कर सकते हो एमपीडीटी ऑनलाइन पे, और इसके बाद कॉलेज में जाना है तुम्हें ऑल इंडिया से, तब भी कॉलेज में तुम्हें जाना है, जिस भी कॉलेज में तुम्हें चाहिए एडमिशन उस कॉलेज में जाना, जो भी ब्रांचेस में सीट खाली होंगी तुम्हें उस ब्रांचेस में एडमिशन मिल जाएगा अगर तुम्हारी लाइक मेरिट रही अच्छी तो, ठीक है। तो ये तुम्हारा हो गया अगर तुम एमपी में कॉलेज देख रहे हो। अब तुम महाराष्ट्र साइड से बिलोंग करते हो, महाराष्ट्र साइड पे कॉलेज वगैरह देख रहे हो, ठीक है, तो तुम्हारे पास महाराष्ट्र का स्पॉट राउंड अभी बचा हुआ है, ठीक है, महाराष्ट्र यानी कि एमएसटी सीईटी काउंसलिंग का स्पॉट राउंड बचा हुआ है। इसका 10 से लेकर 13 के बीच में यहाँ पे वैकेंट सीट डिस्प्ले हो जाएंगी, यानी कि 10 तारीख से लेकर 13 तारीख के बीच में यहाँ पे वैकेंट सीट दिख जाएंगी कि इतनी सीट वैकेंट है इस कॉलेज में। अब उसके बाद वहां पे उनका पूरा प्रोसेस होगा, फॉर्म आएगा, फॉर्म तुम्हें फिल करना पड़ेगा, कॉलेज में जाकर एडमिशन वगैरह लेना पड़ेगा, उसका भी शेड्यूल मैंने यहाँ पे ओपन कर रखा है, ठीक है। देखो 10 से लेकर 13 तारीख के बीच में तुम्हारे यहाँ पे सीट वैकेंसी आ जाएगी। डिस्प्ले ऑफ वैकेंट सीट, इन्वाइट एप्लीकेशन, प्रिपेयर एंड डिस्प्ले मेरिट लिस्ट, कैरी आउट कंप्लीट एडमिशन प्रोसेस, तुम्हारा एक बार लिस्ट आ गई पूरी। इसके बाद तुम जो है क्या नाम है वहां पे एप्लीकेशन फिल कर रहे होगे, उसके बाद कॉलेज मेरिट लिस्ट रिलीज कर रहा होगा, उसके बाद तुम्हारा एडमिशन हो रहा होगा। अब तुम्हारे पास क्या ऑप्शन है, देखो ये तो हो गया जो हमारे पास ऑप्शन है इसके तुम्हारे काउंसलिंग रिलेटेड, ठीक है। अब ऑप्शन आता है डायरेक्ट कॉलेज, ठीक है, डायरेक्ट कॉलेज, फिर मैनेजमेंट कोटा, ठीक है। अब देखो ये दो तुम्हारे पास ऑप्शन आते हैं। डायरेक्ट कॉलेज में बात करोगे एलपी हो गया, चंडीगढ़ हो गया, चितकारा हो गया, आईआईएलएम हो गया, ठीक है, बेनेट हो गया, इसके बाद एसआरएम हो गया, मणिपाल हो गया। अब ये सब जो कॉलेजेस हैं ये सब डायरेक्ट एडमिशन लेते हैं। तुम फॉर्म फिल किया होगा तुमने, तुम्हारे कोई मेरिट लिस्ट आई होगी, नहीं आई होगी तो तुम्हारे बहुत सारे कॉल आ रहे होंगे, तुम कॉल पे बात करो, जाकर तुम एडमिशन दे रहे होंगे, ठीक है, बहुत बड़ी चीज़ नहीं है वहाँ पे। इन किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेना बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, तुम्हारा अगर अभी भी एडमिशन नहीं हुआ है तो, ठीक है, तुम्हारा आराम से यहाँ पे जाकर एडमिशन हो सकता है। बट यहाँ पे भी तुम अगर तुम्हें इन्हीं सब कॉलेजेस में आना तो एक बार अपनी प्रोफाइल शॉर्टलिस्ट कर लो, देख लो कि तुम्हारे प्रोफाइल अकॉर्डिंग हो सकता है कुछ बेटर ऑप्शन तुम्हारे लिए हो तो उसमें चले जाना, फालतू किसी भी कॉलेज में जाकर मत फंसना, एमईटी के लिए बढ़ाना है, ठीक है। तो उस केस में तुम क्या करो, डिस्क्रिप्शन में प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म दिया गया उसको फिल कर दो, एक फ्री गाइडेंस ले लो तुम कि लाइक तुम्हारे प्रोफाइल पे क्या बेस्ट ऑप्शन है, उसके बाद जाके उस कॉलेज में एडमिशन ले लेना, ठीक है। अब अगर तुम्हें अच्छे कॉलेज में जाना है, ठीक है, टॉप के कॉलेज में जाना, तो तुम्हारा बजट है अच्छा, ठीक है, मैनेजमेंट कोटा उनके लिए जिनके पास बजट है, ठीक है। अब तुम्हारा बजट ही पता था 10 लाख रुपए तो तुम किसी भी मैनेजमेंट कोटा के थ्रू कॉलेज में नहीं जा पाओगे। बट अगर तुम्हारा बजट 20 लाख है तो तुम एलपीयू में जाने से बेटर है जेएसएस वगैरह में, क्या नाम है, ईसी या फिर सीएसआईटीएसी ब्रांचेस देख लो,
ठीक है, तो ये दोनों डिफरेंस होने, अब तुम्हारा 10 से 15 लाख का बजट है, ठीक है, तो ओवरऑल पूरा लेके, तो सजेस्ट करूंगा कि भाई इस कॉलेज में जाके देख लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, फिर 4 साल अपना सही करो, इंप्रूव करो, आगे जाओ। अब थोड़ा सा बजट तुम्हारा ज्यादा 18-20 लाख का बजट है, ठीक है, तो फिर तुम्हारे पास मैनेजमेंट कोटा के कॉलेज का ऑप्शन आ जाते हैं, भैया यहाँ पे हम देख सकते हैं, बट यहाँ पे प्रोसेस या तो फिर तुम डायरेक्टली कॉलेज को रीच आउट करो, ठीक है, कि कॉलेज में जाओ, कॉलेज में लाइक वहाँ पे जाओ, मैनेजमेंट कोटा का फीस वहाँ पे करो, सारी फीस जो भी पे करो वो तुम क्या नाम है कॉलेज को पे करो, ओके। देखो बहुत सारे बीच में मिडिल मैन लोग आते हैं, वो क्या करते हैं तुमसे कुछ अमाउंट ले लेंगे और फिर बोलेंगे कि आप इतने डेट को आ जाना, एडमिशन करवा देंगे, बट फिर तुम जाते हो वहां पे तुम्हें कुछ नहीं मिलता, वो तुम्हारा पैसा भी चला जाता है, इसलिए मैनेजमेंट कोटा को एक नेगेटिव टर्म्स में भी लोग देख रहे होते हैं, ठीक है, वो भी दिक्कत है। तो तुम्हें सही इंसान को टारगेट करना है कि हमें कॉलेज में जाना है, कॉलेज में हमें जो भी फीस लगेगी वो हमें देना है, जो भी डोनेशन है वो हर कॉलेज में हर ब्रांच वाइज अलग अलग डोनेशन होता है, वो तुम्हें कॉलेज में जाना है, वहां पे देखना है। बाकी मैनेजमेंट कोटा से बात करोगे तो बहुत सारे दिल्ली एनसीआर के जितने कॉलेजेस होते हैं, ठीक है, मोस्टली में मैनेजमेंट कोटा है, दिल्ली के जो कॉलेजेस हैं उसमें मैनेजमेंट कोटा होता है। इसके बाद तुम्हारे पास बैंगलोर साइड कॉलेजेस जो हैं उसमें मैनेजमेंट कोटा होता है, ठीक, तो यानी कि तुम्हारे हर स्टेट में जो भी सिटी में जो भी कॉलेजेस हैं उसमें मैनेजमेंट कोटा हो रहा होता है, जितने भी प्राइवेट कॉलेज हैं, फीस थोड़ी वहाँ पे ज़्यादा लगती है यार, ठीक है, तुम्हें एक एक लमसम अमाउंट पहले डोनेशन में देना पड़ेगा, फिर उसके बाद नॉर्मल फीस होती है। बैंगलोर में कॉलेज में देखोगे तो तुम्हें डोनेशन भी देना पड़ता है, फीस भी ज़्यादा लगती है। बैंगलोर के किसी भी अच्छे कॉलेज में अगर तुम मैनेजमेंट कोटा के थ्रू जा रहे हो तो 60-70 लाख तुम्हारी फीस लग रही होगी, तो इतना फीस देना वर्थ इट है नहीं वर्थ इट है ये तुम्हारे बजट के ऊपर डिपेंड करता है, तुम क्या टारगेट कर रहे हो अपने 4 साल, फिर उसके बाद तुम क्या कैरियर में टारगेट करो उस पर डिपेंड करता है। इसीलिए अगर बेस्ट जानना है तुम्हारे पास क्या ऑप्शन है, उस केस में तुम प्रोफाइनेंस फॉर्म दिया गया उसको फिल कर सकते हो, इंस्टाग्राम पर तुम हमसे कनेक्ट हो सकते हो इंजीनियरिंग स्टूडेंट खबरी से, बाकी कोई डाउट आता है कमेंट सेक्शन में डाल दो, और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए तुम्हें क्या करना है, स्टूडेंट खबरी को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लेना। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.